आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंशियल अपॉर्चुनिटी थ्योरी के बारे में। अगर आप DSSSB वेलफेयर ऑफिसर या क्रिमिनोलॉजी UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर टू के लिए ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थ्योरीज के अंदर आ जाता है। हाय, माय नेम इज स्वीटी परवीन और आप देख रहे हैं क्रिमिनोलॉजी ज्ञान। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। USA के अंदर बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिले जहाँ पे जुबिनाइल्स जो है गैंग्स बनाकर क्राइम कमिट करने लगे। उसके पीछे का रीजन जानने के लिए काफ़ी सारे क्रिमिनोलॉजिस्ट आए। तो जो मेन प्रोपाउंडर्स हैं डिफरेंशियल अपॉर्चुनिटी थ्योरी के वो है रिचर्ड क्लोवर और लॉयड ओलिन। तो इन्होंने 1960 के अंदर एक थ्योरी दी, डिफरेंशियल अपॉर्चुनिटी थ्योरी, जो कि मर्टन की स्ट्रेन थ्योरी और सदरलैंड की डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी को मर्ज करके यानी कि मिलाकर बनाई गई थी। इन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश करी डेलिंक्वेंसी एंड अपॉर्चुनिटी की, जिसमें इन्होंने बात करी कि जुबिनाइल गैंग्स का नेचर क्या होता है और किस किस तरीके की एक्टिविटीज़ जुबिनाइल गैंग्स करते हैं। क्लोवर और ओहली ने दो तरीके के सोशली स्ट्रक्चर्ड अपॉर्चुनिटीज़ की बात करी। जब कोई पर्सन सक्सेस के लिए जाता है या गोल्स अचीव करने के लिए जाता है तो दो तरीके के सोशल स्ट्रक्चर्ड अपॉर्चुनिटीज़ की बात करी, एक है लेजिटिमेट और दूसरा है इललेजिटिमेट। मर्टन की तरह ही क्लोवर और ओहली ने इस बात पर एम्फेसिस किया कि कल्चरल गोल्स क्या हैं और उनको अचीव करने के जो तरीके हैं, मीन्स जो हैं उस गोल्स को अचीव करने के लिए, उसके बारे में बात करी। अगर आपने मेरा स्ट्रेन थ्योरी जो मर्टन ने दी है उसके रिलेटेड वीडियो नहीं देखी है तो ये आई बटन में मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो फिलहाल मैं एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ कि मर्टन की स्ट्रेन थ्योरी में क्या था। मर्टन की स्ट्रेन थ्योरी कहती है कि सोसाइटी में ही ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो एक इंडिविजुअल को प्रेशराइज करते हैं कि आपको ये गोल्स अचीव करने हैं, या एक सोसाइटी में रहने के बाद एक पर्सन को, एक इंडिविजुअल को ऐसा लगता है कि मुझे ये गोल्स अचीव करने हैं। लेजिटिमेट वे उसको चूज करना है उस गोल को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन सभी इंडिविजुअल के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं होती है उस गोल को अचीव करने के लिए। तो इसीलिए जिनके पास लेजिटिमेट मीन्स नहीं होते हैं लेकिन गोल्स तो उनको अचीव करने ही हैं, तो वो इललेजिटिमेट तरीका अपनाते हैं और इसीलिए वो ज़्यादातर क्रिमिनल बिहेवियर को अडॉप्ट करते हैं। तो क्लोवर और ओहली ने स्ट्रेन की इस थ्योरी को और सदरलैंड की एसोसिएशन थ्योरी को मिक्स करके बनाई डिफरेंशियल अपॉर्चुनिटी थ्योरी। इन्होंने जो ये स्ट्रेन मर्टन की जो स्ट्रेन थ्योरी है इसको कंबाइन करके इसमें एक बात और उन्होंने जोड़ी, जो लोग इललेजिटिमेट तरीके के लिए जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज उनको भी मिल रही हैं, ठीक है। जैसे हम लेजिटिमेट मीन्स के लिए सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं होती, उसी तरीके से इललेजिटिमेट मीन्स के लिए भी अगर कोई पर्सन जाता है तो उसके पास भी इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं रहती है। यानी कि लेजिटिमेट मीन्स और इललेजिटिमेट मीन्स दोनों में ही इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं है। सदरलैंड की डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी की मैं अगर बात करूं तो वो कहता है कि जो क्रिमिनल मोटिव है ना और क्रिमिनल टेक्निक्स हैं या फिर कोई क्रिमिनल बिहेवियर को क्यों अपना रहा है, ये सारा जो लर्न बिहेवियर है, कि क्रिमिनल बिहेवियर एक लर्न बिहेवियर है, तो एक कोई इंडिविजुअल उस टेक्निक्स को और उस मोटिव्स को समझने के लिए बाकी क्रिमिनल एसोसिएशन से जुड़ता है ना, और उसके बाद वो गैंग फॉर्मेशन करता है और उन्हीं से ही वो चीज़ों को सीखता है। तो वो डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी की बात करते हैं। तो इन्हीं दोनों थ्योरीज को, स्ट्रेन थ्योरी और डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी, इन्हीं दोनों को मिक्स करके डिफरेंशियल अपॉर्चुनिटी थ्योरी बनती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो कुछ नेबरहुड्स में आपके पास ज़्यादा चांसेस होंगे क्राइम कमिट करने के लिए और कुछ नेबरहुड्स में उतना ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा कि आप कोई इललेजिटिमेट मीन चूज करके क्रिमिनल बिहेवियर करो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि एक पर्सन जो है वो ड्रग डीलर बनना चाहता है, ठीक है, तो उसके लिए सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि आप के पास ड्रग्स हैं और आप सिंपली जाकर दे सकते हैं किसी को भी। ड्रग ट्रैफिकिंग कुछ एरियाज में सिटी के बहुत ज़्यादा इजीली हो जाता है, कुछ जगहों पर इजीली नहीं हो पाता है, क्योंकि ड्रग डीलिंग के लिए आप सिर्फ ज़रूरी नहीं कि आपके पास ड्रग्स हो, आपको पता होना चाहिए ड्रग सप्लायर्स कौन कौन है, एक कस्टमर बेस होना चाहिए आपका, एक स्ट्रीट कॉर्नर होना चाहिए। ऐसा आप कहीं भी जाकर अपने ड्रग्स नहीं बेच सकते ना, एक स्ट्रीट कॉर्नर होता होगा जहाँ पर लोगों को पता है कि हाँ इस जगह पर ड्रग्स मिलते हैं, जहाँ पर वो पर्सन ड्रग सेल कर सकता है। इसके अलावा साथ साथ आपको एक नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा जहाँ पर एक्सपीरियंस लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं, जहाँ पर आप उनसे पूछ सकते हैं या फिर उनसे उनका नॉलेज शेयर कर सकते हैं, उनका प्रोफेशनली वर्क कैसे चल रहा है वो चीज़ें आप एक दूसरे से मिलकर सीख सकते हैं। जो सदरलैंड की एसोसिएशन थ्योरी कहती है वही थ्योरी इस पर अप्लाई होती है कि आप एसोशिएट करते हैं बाकी क्रिमिनल गैंग से, ग्रुप से,
और उस तरीके से आप चीजों को अपने फ्लरिश करते हैं, बढ़ावा देते हैं, जो कि हर सिटी में या हर जगह पर पॉसिबल नहीं है। कुछ नेबरहुड हैं जो जहाँ पर ये चीजें पॉसिबल हैं और कुछ नेबरहुड ऐसे हैं जहाँ पर ये चीजें पॉसिबल नहीं है, तो हमको दोनों कंसिडर करना पड़ेगा। तो यानी जो लोग उस जगह पर रहते हैं जिनके लिए इजीली एक्सेसिबल है, तो इसका मतलब वहाँ पर तो अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं उनको इलेजिटिमेट मीन्स को यूज करने की, लेकिन जहाँ पर ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है। क्लोवर और ओलिन के जो ये थ्योरी थी ये क्राइम अपॉर्चुनिटी पर ज्यादा फोकस कर रही थी, और मोटिवेशन क्या है एक इंडिविजुअल का क्राइम के पीछे उस पर फोकस उनका बहुत कम था। कहते हैं कि क्राइम पॉसिबल किसी सोसाइटी में तभी है जब कुछ नेबरहुड जो है उस इलेजिटिमेट मीन्स को प्रोवाइड कर रही है। अगर फॉर एग्जांपल मैं समझना चाहूँ, दो सिटीज़ हैं या दो एरियाज़ हैं, एक एरिया में क्या है लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हैं और उन्होंने एक बर्गलरी अलार्म लगा रखा है कि जब भी कोई उनकी गाड़ी को टच करेगा या फिर कोई चोरी करने के लिए आएगा तो वो अलार्म बज पड़ेगा। वहीं एक दूसरा पास में नेबरहुड है जहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, लोग अवेयर नहीं है, तो ऑब्वियसली जो एक रॉबर है वो क्या करेगा, वो उस एरिया को चूज करेगा जहाँ पर अलार्म सिस्टम नहीं है। तो आप कुछ हद तक उसको अपॉर्चुनिटी दे रहे हो कि मैंने अपना जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसको वीक कर रखा है, आप आ सकते हैं, मतलब एक बढ़ावा देना ही समझ रहे हैं इसे। और अलार्म सिस्टम जहाँ पर लगा हुआ है उन्होंने क्या करा, थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर रखा है कि आप अगर मेरे कार को चोरी करेंगे तो हम स्ट्रिक्ट एक्शन उठाएंगे। तो अपॉर्चुनिटी की बात यहाँ पर मेनली करता, मोटिव क्या है किसी इंडिविजुअल का उसके ऊपर फोकस नहीं है, मेन बात करते हैं अपॉर्चुनिटी की। तो ये थ्योरी जो है मेन फोकस रखता है अपॉर्चुनिटी के। क्लोवर एंड ओहली ने तीन तरीके के इलेजिटिमेट अपॉर्चुनिटी स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करी, क्रिमिनल, कॉन्फ्लिक्ट एंड रिट्रीटिस्ट। क्रिमिनल अपॉर्चुनिटी स्ट्रक्चर कहते हैं जब किसी सोसाइटी में ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड गैंग नेटवर्क्स हैं, तो अगर कोई इंडिविजुअल वहाँ पर ज्वाइन करना चाहता है तो वो ज्वाइन कर सकता है, तो उसके लिए थोड़ा इजी हो जाता है चीज़ों को समझना, क्योंकि ऑलरेडी प्रोफेशनल्स बैठे हुए हैं, इस इंडिविजुअल को बस जाकर ज्वाइन करना और वो जो जो उनको तरीके बताएंगे, जो जो चीज़ें सिखाएंगे वो सीखेगा उनसे, और उसके लिए थोड़ा ईजी हो जाता है। वहीं इसके अपोजिट कॉन्फ्लिक्ट अपॉर्चुनिटी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो वो ऐसी सिचुएशंस के बारे में बात करता है जहाँ पर इंडिविजुअल जो है अपनी पोजीशन को वॉयलेंस या फिर डरा धमका कर खुद ही मेंटेन करता है, उसके पास कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई गैंग नहीं होती ज्वाइन करने के लिए, उसे जो अपना भी जो पोजीशन उसने होल्ड करी है लोगों को डरा कर धमका कर वो खुद से करी है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट अपॉर्चुनिटी स्ट्रक्चर हो गया जहाँ पर इंडिविजुअल को खुद स्ट्रगल करना पड़ रहा है, इवन वो इलेजिटिमेट तरीका जो भी अपना रहे हैं उसको भी उसको अचीव करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। कॉन्फ्लिक्ट गैंग्स उन कम्युनिटीज में डेवलप होते हैं जहाँ पर लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट दोनों अपॉर्चुनिटीज वो एक इंडिविजुअल को नहीं दे पा रहा है, तो उसके जो मेंबर्स होते हैं वो अपने राइट्स को खुद प्रोटेक्ट करने के लिए खुद से ही अपनी गैंग बनाते हैं, सब चीज़ें वो खुद बेसिक से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम रिट्रीटिस्ट अपॉर्चुनिटी स्ट्रक्चर की। रिट्रीटिस्ट गैंग्स को हम डबल फेलियर्स भी कह सकते हैं क्योंकि उन्हें लेजिटिमेट मीन्स से तो सक्सेस मिला नहीं और इलेजिटिमेट मीन्स को वो यूज़ करना नहीं चाहते, तो ऐसे लोग क्या है अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, एक सोसाइटी को फेस नहीं करना चाहते हैं, तो वो जनरली फिर ड्रग अब्यूजर बन जाते हैं। सो इस थ्योरी के भी कुछ क्रिटिक्स थे, जैसे रिसर्चर्स ने आर्ग्यू किया कि ये जो थ्योरी है ज़्यादातर फोकस कर रही है जो लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा है, जो गरीब तबके का लोग है उनके ऊपर फोकस कर रही है, लेकिन ऐसे भी तो बहुत सारे क्राइम हैं जो कि अपर क्लास इंडिविजुअल या फिर लोअर मिडिल क्लास इंडिविजुअल कमिट कर रहे हैं, तो उस केस में ये थ्योरी कुछ एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड नहीं करती है। तो ये पहला क्रिटिक था इस थ्योरी का। सेकंड क्रिटिक जो आया वो आया क्रेसी से 1964 में, जिन्होंने बताया कि ये जो थ्योरी है ये फ्री विल के कॉन्सेप्ट को समझाने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं थी, क्योंकि फ्री विल क्या बात करता है कि कोई इंडिविजुअल है वो अपनी मर्जी से क्राइम को कमिट करता है, लेकिन यहाँ पर उसने क्या बात करी थी मेनली, ये अपॉर्चुनिटी की बात करता है कि भाई अगर पर्सन को अपॉर्चुनिटी मिली वो क्राइम कमिट कर लेगा। लेकिन आप इस चीज़ को समझें कि सेम अपॉर्चुनिटी मुझे भी मिल रही है और सेम अपॉर्चुनिटी एक रॉबर को भी मिल रही है ना, लेकिन मैं वो चीज़ कमिट नहीं कर रही हूँ, मैं चोरी नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो पर्सन चोरी कर रहा है। जब अपॉर्चुनिटी दोनों को मिली है तो मैं चोरी क्यों नहीं कर रही हूँ और वो पर्सन क्यों चोरी कर रहा है, यही चीज़, ये जो डिफरेंस है, ये जो क्रिटिसिज्म दिया क्रेसी ने, तो वो ये समझा नहीं पा रहे कि भाई फ्री विल का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ गया इसमें। नेक्स्ट जो क्रिटिसिज्म आया इस थ्योरी का वो ये था कि मेनली ये जो थ्योरी है वो जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी की बात करता है, कि अगर कोई बच्चा कोई क्राइम कमिट कर, कोई माइनर अगर क्राइम कमिट करता है तो वो इसको एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन
जो एडल्ट जो क्राइम कमिट करते हैं उसको कौन एग्जामिन करेगा, उसके पीछे का क्या रीज़न है, क्या ये थ्योरी उसको एक्सप्लेन कर पा रही है। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म थे जो इस थ्योरी से निकल कर आए। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपके इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड टेक केयर।